नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम WHO और उसके जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और फैक्ट्स है उसके बारे में बातचीत करेंगे। फर्स्ट, US ने WHO की मेंबरशिप टर्मिनेट की है, तो उनका जो ग्राउंड है उन्होंने ये दिया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो कि इनिशियल स्टेजेस में WHO ने डिनाई किया था, तो उसके कारण US का ये ग्रज है कि इट्स अ फेलियर ऑफ दी WHO। तो ये एक कारण उन्होंने दिया है। उसके बाद जो चाइना का रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू COVID-19, तो उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, और उसका जो अकाउंटेबिलिटी है तो WHO ने चाइना के ऊपर फिक्स करना चाहिए, तो वो नहीं किया है, तो ये अकाउंटेबिलिटी इशू भी US ने उठाया है। उसके बाद अब देखते हैं कि US ने अभी तक कौन कौन से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से खुद को टर्मिनेट कर दिया, खुद को विड्रॉ कर दिया। उसमें फर्स्ट आता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशन की है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया 2018 में। ग्राउंड दिया था कि ये बॉडी इज़राइल और US के जो ह्यूमन राइट्स है वो ज़्यादा हाईलाइट करती है, और अदर जो वेस्टर्ड ग्रुप्स है इस बॉडी में वो दूसरे कंट्रीज़ में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उस पर हाईलाइट नहीं करती है, तो ये ग्राउंड दिया था और इन्होंने विड्रॉ कर लिया था 2018 में। उसके बाद आता है यूनेस्को, उन्होंने विड्रॉ कर दिया था 2017 में, और ग्राउंड दिया था कि जो इज़राइल की जो हिस्ट्री है विथ रिस्पेक्ट टू जेरूसलम वो यूनेस्को मिटाने की कोशिश करता है और रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इज़राइल और USA ने खुद को इस बॉडी से विड्रॉ कर लिया है। तो क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट 2017 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, ये अग्रीमेंट हुआ था 2015 में। तो उसका जो ग्राउंड है टर्मिनेशन का वो दिया था कि इट्स अ हॉक्स, इट्स नॉट अ रियल। सो और उसके बाद 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, तो ग्राउंड दिया था कि ये जो प्रॉमिस न्यूक्लियर ईरानियन रेजिम कर रही है वो फॉल्स है, और उनके पास एम्पल एविडेंस है कि वो उसका यूज़ सिविल न्यूक्लियर डील का यूज़ मिलिट्री पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो ये सब ट्रम्प अपने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर कर रहे हैं। उसके बाद माइनर डिटेल्स देखते हैं। ये बॉडी 1948 में इस्टेब्लिश किया था, उसके बाद जो अप्रैल 7 है वो वर्ल्ड हेल्थ डे यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनीवा में है, और इनके जो फंक्शंस है वो जो इंटरनेशनल हेल्थ एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेट करना है। ये कोलैबोरेट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है, एजेंसीज है, उनके साथ, और किसी गवर्नमेंट ने टेक्निकल असिस्टेंस डिमांड की है तो ये WHO वाले टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं एमरजेंसी के चलते। उसके बाद 194 मेंबर्स इनके मेंबरशिप में हैं, और जो लीचनस्टाइन और कुक आइलैंड और न्यू, ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं है, ये तीनों न्यू कुकलैंड कुक आइलैंड्स एंड लीचेस्टन, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 1994 में। 191+3 यानी कि 194, और बाकी सब यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, और इसमें दो मेंबर एसोसिएट मेंबर है, उसमें पुर्टो रिको और टोकेलो, और ऑब्जर्वर मेंबर्स जो है पैलेस्टाइन और होली सी जिसको हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं, और माल्टा। और वेटिकन सिटी का ये है कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है मगर ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। तो और 6 रीजनल ऑफिसेस है, उसमें साउथ ईस्ट एशिया का जो है वो दिल्ली में है, और 150 कंट्रीज़ में इनके ऑफिसेस हैं,
और ये एनुअली वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उसमें हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, जो ग्लोबल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर कंट्रीज, वो पब्लिश करते हैं। उसके बाद जो हेल्थ रिलेटेड जो असेसमेंट होता है वो भी इस रिपोर्ट में देते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसमें जो मेंबर कंट्रीज़, जो WHO के मेंबर्स है, वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, गोल फिक्स करते हैं, उसके बाद बजट भी अप्रूव करते हैं, उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो भी करते हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो काम होता है वो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो पॉलिसी डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये सब टेक्निकल लोग होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है WHO का, वो होता है डायरेक्टर जनरल, उसको अपॉइंट करती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 5 सालों के लिए। उसके बाद WHO का यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ रिलेशन क्या है? फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके अंडर UNDP आता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये इसके अंडर WHO आता है। और इसका जो इवोल्यूशन है वो स्टार्टेड इन 1920। तो फर्स्ट लीग ऑफ नेशन ऐसे ही यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसको सेटअप किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था 1920 को। तो इसका जो असिमिलेशन था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूनाइटेड नेशन के अंडर हुआ था। तो उसका जो डिमांड था वो किया था 1945 में, जो चाइनीज़ थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉट अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कम्युनिस्ट चाइना नहीं था, उन्होंने डिमांड किया था कि यार यूनाइटेड नेशन के अंडर इंटरनेशनल हेल्थ के लिए एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उनका जो रिजोल्यूशन था उनको सपोर्ट किया था नॉर्वे ने और ब्राज़ील ने, उसके कारण WHO का क्रिएशन हुआ था इन 1948। अब देखते हैं कि अचीवमेंट इनकी क्या है। इन्होंने इराडिकेट किया था स्मॉल पॉक्स इन 1979 में। 1979 तक काफ़ी आउटब्रेक होते थे, और फाइनली इन्होंने जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किया उसके कारण स्मॉल पॉक्स इन्होंने इराडिकेट किया था। उसके बाद पोलियो, पोलियो ये इन्होंने काफ़ी मेहनत की, फाइनली दे आर नियर टू इराडिकेशन। और इन्होंने जो इनिशिएटिव जो चलाया था वो सिंस 1988 से चलाया था। तो उसके बाद आता है HIV/AIDS प्रोग्राम, जो इन्होंने चालू किया था 1986 में। तो इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन HIV/AIDS में अवेयरनेस कैंपेन के कंपोनेंट में है। तो उन्होंने चालू किया था 1988 में अवेयरनेस कैंपेन, उसके कारण जो डिस्क्रिमिनेशन होता था एड्स पेशेंट के रिलेटेड, वो काफ़ी काफ़ी कंट्रोल में, हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल में है। उसके बाद जो WHO का जो बजट है उसका जो कंपोनेंट है वो असेस कंपोनेंट और वॉलंट्री कंपोनेंट। असेस कंपोनेंट में ये डिसाइड होता है वेल्थ और पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये मेंबर कंट्रीज़ को देना पड़ता है। और वॉलंट्री कंपोनेंट जो होता है वो मेंबर कंट्रीज़ भी दे सकती है, इंस्टीट्यूशंस भी दे सकते हैं, कंपनीज भी दे सकती है, और फिलान्थ्रोपिस्ट भी दे सकते हैं, लाइक बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। और जो वॉलंट्री कंट्रीब्यूशन होता है वो 80% होता है, और जो असेस कंपोनेंट होता है वो नियर अराउंड 20% के आसपास होता है। तो ये डिसाइड होता है वेल्थ और पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल US हैज़ अ ट्रिमेंडस वेल्थ, सो उनका जो असेस कंपोनेंट है वो ज़्यादा होगा। और इसमें चाइना का जो $40 मिलियन कंट्रीब्यूशन है वो US के कंपेयर में काफ़ी कम है,
और यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22% है, वो लगभग पहुंचता है 450 मिलियन के आसपास, और इंडिया का पहुंचता है 0.83%। और इसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इन्होंने चालू किया था 2005 में, और इन्होंने जो रेगुलेशन डेवलप की थी, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 में वो डेवलप की थी सार्स आउटब्रेक के बाद। इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि एपिडेमिक आता है तो उसका जो इम्प्लिकेशन है बॉर्डर पार भी हो सकता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड एक्शन चाहिए। तो उन्होंने 2005 में जो रेगुलेशन डिज़ाइन की थी, डेवलप की थी, उनमें ये था कि हम ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका जो राइट था डिक्लेयर करने का, वो उन्होंने दिया था हेल्थ इमरजेंसी कमेटी को, IHR इमरजेंसी कमेटी को। तो ये कमेटी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करती है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि डिसीज़ का आउटब्रेक जिसके इम्प्लिकेशन बॉर्डर पार भी हो सकते हैं, और वो कंटेन करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए। अब देखते हैं कि अभी तक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब और कौन से डिसीज़ के लिए डिक्लेयर की है। उसमें आता है H1N1 पैंडेमिक, इसको स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। तो जो पिग्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं H1N1 के लिए, वो 2009 में WHO ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद आता है पोलियो, जो कि मई 2014 में डिक्लेयर किया था। उसके बाद आता है एबोला, जो कि अगस्त 2014 में डिक्लेयर किया था। 2014 में इन्होंने दो बार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। एबोला हुआ था वेस्टर्न अफ्रीका में, इसका जो एपिसेंटर था वो गुइनिया, और उसके बाद ये स्प्रेड हुआ था लाइबेरिया और सीरा लियोनी में। उसके बाद जीका आता है, इसका जो मैसिव स्प्रेड हुआ था वो ब्राज़ील में ज़्यादा हुआ था 2015 में, ये भी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी। उसके बाद आता है एबोला एपिडेमिक्स, जो कि अभी तक चल रहा है 2018 और 20, 3 सालों से चल रहा है, और इसका जो आउटब्रेक था वो भी 2014 में हुआ था। तो ये ऑनगोइंग है। और उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि अभी चल रहा है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था 30 जनवरी 2020। दिस इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। सो सब्सक्राइब UPSC प्रिपरेशन वीडियोज़ इफ़ यू लाइक ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच।